भंडारे वाली कड़ी का टेस्ट घर की कड़ी से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उसमें ना तो प्याज होता है ना ही लहसुन होता है, लेकिन वो फिर भी बहुत टेस्टी होती। जन्माष्टमी के छठे दिन बनते हैं कड़ी चावल सभी के घर। आज मैंने कड़ी ही बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। कड़ी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले लेंगे एक बोल, उसमें डालेंगे 2 कप खट्टा दही और उसमें डालेंगे हम 4 चम्मच भर के बेसन। 2 कप दही है तो 4 चम्मच बेसन लेंगे। उसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन जाए इसका। अब हम इसमें डाल देंगे 3 कप पानी, जिससे इसका बिल्कुल पतला घोल बन जाएगा और इसे अब अच्छे से कर देंगे हम मिक्स। अब लेंगे एक हम भारी तले की कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल हमें बहुत अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करना है और फिर गैस को बंद करके ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर देना है, तब इसमें मसाले डालने हैं। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हींग, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कूटा हुआ धनिया साबुत, थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ी सी राई, और इसमें डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई अदरक और थोड़े से डालेंगे इसमें हम वॉश किए हुए कड़ी पत्ता। इसे स्लो फ्लेम पर ही रखना है, हमें हाई नहीं करनी, और इस मसाले को थोड़ा सा भून लेना है। फिर डालेंगे 1 चम्मच देगी लाल मिर्च और ऊपर से जो हमने ये घोल बनाया था दही बेसन का, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि घोल पतला है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इसे हमें 20 से 25 मिनट अभी बॉईल करना है। अभी हम इसे चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आता। जब एक बॉईल आ जाएगा तब हम इसको 20 से 25 मिनट उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसके अंदर हम 1 चम्मच डाल देंगे, इससे कड़ी उबल कर बाहर नहीं आएगी। अब इसमें डालेंगे हम नमक। हमने नमक पहले नहीं डाला क्योंकि उससे दही का फटने का खतरा रहता है। नमक हम इसके बॉईल होने के बाद ही डालेंगे। जब तक कड़ी बॉईल हो रही है हम बना लेते हैं पकौड़े। एक बोल में लेंगे हम 1 कप बेसन, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच चाट मसाला, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ हरा धनिया, इसकी जगह आप पालक का भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को हाथ से क्रश करके हम डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। अब एक विस्कर की हेल्प से हमें अच्छे से इसे फैटना है ताकि हमारे पकौड़े सॉफ्ट बने। पकौड़े का घोल हमारा रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए, ना बहुत पतली और ना ही बहुत गाढ़ी। अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें रखेंगे ऑयल गरम करने के लिए। जब ऑयल गरम हो जाएगा उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से पकौड़े कम ऑयल सोखते हैं। इसमें हम एक टूथपिक डाल के चेक करेंगे ऑयल गरम हो गया है। हाँ जी, ये देखिए छोटे छोटे बबल्स टूथपिक पे आ रहे हैं, तो ऑयल हमारा मीडियम टेम्परेचर पर गरम है। जो हमने घोल रेडी किया था उसके हम छोटे छोटे से पकौड़े तलने के लिए डाल देंगे इस तरीके से हाथ से ही। चाहे तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं और इसे अलट पलट कर स्लो फ्लेम पर हम गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है। पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, हम इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं ऑयल छान के अच्छे से। पकौड़े हमारे एकदम रेडी हैं। देखते हैं हमारी कढ़ी भी रेडी हो गई होगी अब तक तो। ये देखिए कढ़ी का कलर कितना प्यारा आया है और कढ़ी हमारी रेडी भी हो गई है। इसको चेक करने के लिए 1 चम्मच लेंगे और देखिए इसकी बैक साइड हल्की हल्की कोट हो रही है, तो इसका मतलब कढ़ी हमारी पकौड़े डालने के लिए रेडी है। इसमें हम पकौड़े डाल देंगे। अब ये देखिए पकौड़े कितने स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं। इसमें मैंने प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो पकौड़ों में प्याज डाल सकते हैं और तड़के के टाइम इसमें लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसका ऊपर से फाइनल तड़का लगा देती हूँ। एक तड़का पैन में लेंगे 2 चम्मच ऑयल और उसमें डालेंगे हम 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और गैस को कर देंगे हम बंद। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। जब थोड़ा ये तड़का का ऑयल ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। कढ़ी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। इसे आप पूड़ी, पराठा, चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन कढ़ी का बेस्ट फ्रेंड होता है राइस। आज मैं इसे राइस के साथ सर्व करने वाली हूँ। और कढ़ी देखकर अगर आपके मुँह में पानी आ रहा है तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। चलिए आज करते हैं हम कढ़ी चावल की एक डिफरेंट सी प्लेटिंग। कढ़ी क्योंकि हमारी ऑलरेडी रेडी है, चावल मैंने बना लिए हैं।
सबसे पहले एक प्लेट लेंगे, उसमें रखेंगे बीच में खाली कटोरी और उसके चारों तरफ हम रख देंगे इस तरीके से राइस। राइस को हमें अच्छे से सेट कर देना है इस तरीके से। अब इस कटोरी को हम बीच में से निकाल लेंगे और जो ये कैविटी से रेडी हो गई है इसमें हम डाल देंगे कड़ी पकौड़ा। ये देखिए इस तरीके से हम डालेंगे इसमें कड़ी और ऊपर से डाल देंगे हम इसके हरा धनिया और साइड से हम खीरे को हाफ़ कट करके इस तरीके से स्लाइसेस में वो हम लगा देंगे। कड़ी चावल हमारे सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं।